Hello, my dear friends, students. In this video, I am going to tell you about advertisement. And we shall begin with what advertisement is. Advertisement is basically a public notice in which we offer any service. Either we purchase something or we sell something. We give information about missing person like that. So in exam, it will be of 3 marks. And maximum word limit should be 50 words. And among these 3 marks, 1 marks is for format, 1 marks is for content, and other one is for the expression. So advertisement is a kind of public notice asking for or offering services, buying something or selling something, or providing any information about missing person or any missing article. Now there are specially 2 kinds of advertisements, classified hain and commercials hain. Classified advertisements are those advertisements which you find in newspapers or magazines. वो एडवर्टीजमेंट जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं, वो कमर्शियल होती क्लासिफाइड होती हैं. एंड वो एडवर्टीजमेंट्स जो आप कमर्शियली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, व्यापार के लिए यूज़ करते हैं, वो आपके कमर्शियल होती हैं. So if you talk about classified advertisement, as I have told you, you find these kind of advertisements in newspapers or magazines. So the main things which we have to take care is, इसमें कोई ब्लॉक नहीं बनाते हैं, कोई डिज़ाइंस नहीं बनाते हैं. लैंग्वेज जो हमारी है, ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए. हमको जो वर्ड लिमिट है, 50 वर्ड्स हमें इसमें लिखने होते हैं, तो हमें वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. शॉर्ट होना चाहिए, अप टू द पॉइंट होना चाहिए. कैटेगरी हम मेंशन करेंगे, मींस हमारा एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के लिए, सेल के लिए है, परचेज के लिए है, या टू लेट देने के लिए है, या ट्यूशंस के लिए है, तो वो आपको उसका टॉपिक भी लिखना होगा. नेसेसरी डिटेल्स हमें एडवर्टीजमेंट में देनी होती हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और हमेशा ये बॉक्स के अंदर लिखा जाता है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दीज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वैकेंट, कहीं कोई जगह खाली है और हमें कोई व्यक्ति वर्क के लिए चाहिए. लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ गुम जाती है या मिल जाती है, कोई चीज़ हमें सेल करना है या परचेज करना है, हमें कोई घर की तलाश है या हमें कोई घर किराए पर देना है, मैट्रिमोनियल, शादी से रिलेटेड है, आपको कोई घर किराए पर चाहिए, टू लेट मतलब आपको देना है किसी को किराए के लिए, ट्यूशंस आपको अपने बच्चे के लिए रखनी है या आप ट्यूशन्स प्रोवाइड करना चाहती हैं, और प्लेसमेंट सर्विसेज मींस जॉब के लिए कोई इंसान अगर निकाल रहा है, कोई फर्म अगर निकाल रही है, तो वो इस प्रकार की जो एडवर्टीजमेंट्स है वो क्लासिफाइड के अंदर आती हैं. सो दिस इज सिचुएशन वेकेंट. सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार की कोई एडवर्टीजमेंट लिखने को होगा, तो आप सबसे पहले पोस्ट को मैंशन कीजिए, किस पोस्ट के लिए निकाली जा रही है ये जो जॉब है, देन किस ऑर्गेनाइजेशन में निकाली जाएगी, क्या क्वालिटीज़ हमें चाहिए उस जॉब के लिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मेल है चाहिए या फीमेल चाहिए, हम कितना पे स्केल दे पाएंगे और किस प्रकार हम अप्लाई करें, देन एंड में कॉन्टैक्ट नंबर और हमें एड्रेस भी लिखना है. अगर आप बात करते हैं टू लेट, किराए पे अगर आपको कोई देना है, तो अकोमोडेशन किस प्रकार का है, फ्लैट्स में है, फ्लोर्स में है, कितने रूम हैं उसमें, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह, क्या क्या फैसिलिटी हैं, इंडिपेंडेंट है या अपार्टमेंट है या फ्लैट है, कितना रेंट आप चाहते हैं, किस प्रकार के टीनेंट मतलब किराएदार आप ढूंढ रहे हैं, और किसको कॉन्टैक्ट करना है और किस समय में कॉन्टैक्ट करना है, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा. और नीचे हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा और फ़ोन नंबर. कैनल मींस दिस इज़ न्यू सेगमेंट, डॉग्स के बारे में है. अगर हमें डॉग्स लाइक ख़रीदना है या बेचना है, तो उस प्रकार के एडवर्टीजमेंट को भी हम क्लासिफाइड में लिखते हैं. इसमें डॉग्स की क्या ब्रीड होगी, उसकी क्या एज होगी, क्या कलर होगा, किस प्रकार का वो डॉग है, ट्रेंड है या ट्रेंड नहीं है, क्या प्राइस आपको उस डॉग की देनी है या आप लेना चाहते हैं, देन आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और आपको अपना एड्रेस भी देना है. आपको एडवर्टीजमेंट किसी व्हीकल की सेल के लिए ऊपर भी लिख सकते हैं, तो आपको कंपनी लिखनी पड़ेगी, किस कंपनी का वो व्हीकल है, देन क्या मॉडल है, क्या कलर है, क्या एसेसरीज उसमें हैं,
किस साल वो मैन्युफैक्चर हुआ है और उसकी माइलेज कितनी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसकी कंडीशन कैसी है, ओनर्स के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा और उसके प्राइस के बारे में, और कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर तो ऑलमोस्ट हम लिखते ही हैं। नाउ अगर हमें कोई प्रॉपर्टी की सेलिंग करनी है तो वो प्रॉपर्टी किस जगह में लोकेट है, कहाँ पे है, कितना एरिया है उसका और किस डेवलपमेंट उस प्रॉपर्टी का किसने किया है, क्या प्राइस है, देन एंड में कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है आपका लॉस्ट एंड फाउंड। कोई चीज़ गुम जाती है या मिल जाती है तो आपको सबसे ऊपर बॉक्स बनाना है, देन उसके अंदर मेंशन करना है लॉस्ट एंड फाउंड। सबसे पहले देन आपको बताना है कि कोई चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन देना है किस प्रकार की चीज़ है, देन कब घूमी है, कहाँ घूमी है, देन कोई उसको अगर फाइंड करके आपके पास लाता है तो उसके लिए आप क्या रिवॉर्ड देंगे, और एंड में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डालिएगा। देन नेक्स्ट आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट आ सकता है, तो इसमें आपको एजेंसी लिखनी है कि कौन सी एजेंसी दे रही है इस प्रकार के पैकेजेस आपको, कि कौन कौन से डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने दिन का पैकेज होगा, पैकेज की डिटेल्स हमें मेंशन करनी पड़ेगी, डिस्काउंट अगर कुछ है तो वो भी मेंशन करना है, एंड में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। ट्यूशन्स के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, ट्यूशन्स देने के लिए भी हो सकता है और हमें और ट्यूशन्स चाहिए अपने बच्चों के लिए तो भी हम इस प्रकार एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो कौन सी क्लासेस एंड सब्जेक्ट्स है जो आप टीच करते हैं, देन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है ट्यूटर का, पहले जो बच्चों को उन्होंने पढ़ाया उनके रिजल्ट्स के बारे में भी वो मेंशन कर सकते हैं, देन क्वालिटीज़ क्या चाहते हैं आप ट्यूटर में वो, एंड में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। सो इस प्रकार से आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में।